और लेटेस्ट न्यूज यूट्यूब पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें सत्यमेव न्यूज। दौसा के सिकंदरा थाना पुलिस ने 3 वांछित बदमाशों को 5 देसी कट्टे से धर दबोचा है। पुलिस महानिरीक्षक द्वारा वांछित अपराधियों और अवैध हथियार तस्करों को पकड़ने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए पुलिस अधीक्षक पहलाज सिंह कृष्णिया, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल सिंह चौहान, मानपुर वृत्ताधिकारी हेमंत सिंह चारण के निर्देशन में थाना प्रभारी राजपाल सिंह यादव ने मुखबिर की सूचना पर विशेष टीम गठित की और नाकाबंदी करवाकर भूपेंद्र उर्फ रिंकू राजपूत खेडली, गोविंद उर्फ कुबड़ा विद्याधरनगर और संजय चारण मलिसर झुंझुनू गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 5 देसी कट्टे और एक कार जब्त की गई है। थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपियों से प्राथमिक पूछताछ की तो उन्होंने पंचायती राज चुनाव में दहशत फैलाने के लिए हथियार सप्लाई के लिए ले जाने की बात कही। पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ विभिन्न थानों में दर्जनों मामले दर्ज हैं।